ओके, तो चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं, एंटी एरिदमिक ड्रग्स। ठीक है, इसमें वीडियो नंबर वन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है ना सारे इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है और ड्रग्स के इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा। ठीक है, असल में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन जब जब तक फिजियोलॉजी क्लियर ना हो तब तक समझ नहीं आती। ठीक है, ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, हार्ट में रिदम क्या होती है कि इधर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर जाके ब्लड पास होगा वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा या पल्मोनरी में जाएगी या फिर एओर्टा की तरफ। ठीक है, या इस रिदम को मेंटेन कौन करता है, हमारे हार्ट में ऑटोमेटिक इंपल्सेस जनरेट होती हैं ऐसे नोड से। ठीक है, ऐसे नोड क्या है, ये हमारा पेस मेकर है। पेस मेकर क्या मतलब कि ये ऑटोमेटिक इम्पल्सेस जनरेट करता है और सबको एक लाइन में रखता है। ठीक है, एक रिदम में रखता है, क्लियर। अब ये पेसमेकर क्यों है, ये अभी मैं स्लो एंड फास्ट फाइबर्स बताऊंगा, उसमें मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा कि ये पेसमेकर क्यों है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे ये एवी नो सॉरी ऐसे नोट जो है ना इम्पल्स अपनी पास करेगा टू द एवी नोट। ठीक है, एवी नोट से ये इम्पल्स पास हो जाएगी टू द बंडल ऑफ हिस, क्लियर। बंडल ऑफ हिस से जो है ना ये पास हो जाएगी दो साइड्स में, परकंजी फाइबर। ठीक है, और ये फिर जाके वेंट्रिकल्स की दोनों साइड में सप्लाई कर लेगा इम्पल्स। ठीक है, ए बी नोट क्या बैक फायर होके एट्रियम को और एट्रियम को सप्लाई कर लेगा। ठीक है, अभी ये प्रॉपर कंडक्शन पाथवे है। ठीक है, जब भी इसमें इंटरप्शन आएगी तो क्या होगा, एरिथमियाज होंगे। ठीक है, कि अगर देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बाइफर्केट हुआ है दो साइड्स में ना। ठीक है, अगर ये इस तरह कंसिडर कर लें, क्लियर। नॉर्मली क्या हो रहा है, इधर ये इम्पल्स आई, एक इस तरफ गई, एक इस तरफ गई, क्लियर, ये नॉर्मल हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हो के ये इम्पल्स यहाँ पे आई, ठीक, एक इम्पल्स यहाँ पे गई, एक इम्पल्स यहाँ पे गई, अगर ये इम्पल्स जो है ना ये वाली इधर बैकफायर हो और यहाँ से इस तरह वापस अपने पास आ जाए। ठीक है, इधर अब क्या होगी, वन टू और यहाँ पे वन ही है, ये देखिए ये घूम के वापस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, एक और एक्स्ट्रा इम्पल्स आ गई, क्लियर। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, मतलब कि मैच्योर क्या होता है, मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, प्री मैच्योर मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। रेस्पिंग की वजह से क्या हो जाएगी, एरिथमियाज आ जाएंगी। ठीक है, जो प्रॉपर रिदम है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या करेंगे, इस रिदम को, जो एंटी एरिथमिया आ रहे थे इसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, अब हार्ट के हार्ट हर पार्ट में जो है ना अलग अलग तरह की एरिथमियाज होती हैं। ठीक है, अब एक होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, FIB। ठीक है, और एक है एट्रियल फ्लटर, दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लटर मतलब वो भी एरिथमियाज है लेकिन प्रॉपर एक रिदम में है। ठीक है, फिब्रिलेशन क्या है, वो भी एरिथमियाज है लेकिन वो इरेगुलर है। ठीक है, तो ये फिब्रिलेशन क्या है, फास्ट इम्पल्सिस जनरेट, मतलब कि एट्रियम फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, अब फ्लटर में क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन जो है ना फास्टर हो गई लेकिन रिदम में है। फिब्रिलेशन में क्या हो गई, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, फास्टर है लेकिन अपने नॉर्मल रेट में नहीं है, क्लियर। तो फ्लटर फिब में चेंज हो सकता है, क्लियर। इसी तरह और भी होंगी, वो मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में। ओके, तो मैं बताऊँगा कि कॉन्ट्रैक्शन हमारे हार्ट के सेल्स में अब होंगी किस तरह। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल डिफाइन करूँगा मैं और एक्सप्लेन करूँगा। एक्शन पोटेंशियल मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेजेस हैं, ये 90-80 मिली वोल्ट्स है। ठीक है, नेगेटिव है टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक है, तो हर एक पोटेंशियल पे इम्पल्सिस या हमारे जो मायोकार्डियम के सेल्स हैं वो डिफरेंट काम करेंगे। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल में हम ये पढ़ेंगे कि किस पोटेंशियल पे अब हार्ट क्या कर रहा होगा, हार्ट के सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब हार्ट के जो है ना एक्शन पोटेंशियल दो टाइप के सेल्स में डिवाइड हुए हैं, एक है
फास्ट रिस्पॉन्स फाइबर्स, एक हैं स्लो रिस्पॉन्स फाइबर्स, ठीक है। स्लो रिस्पॉन्स फाइबर्स में एस ए नोड, ए वी नोड आ गए, इसमें कौन सी आ गए, वेंट्रिकुलर मसल्स, ऑरिकल्स सॉरी द एट्रियम्स और परगंजी सॉरी बंडल ऑफ हिज आ गए, ठीक है, बंडल ऑफ हिज आ गए, ठीक। अच्छा तो पहले जो है फास्ट ये फाइबर्स कर लेते हैं। फास्ट फाइबर्स ऐसे होते हैं कि ओके तो फर्ज करें ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 90 100 माइनस माइनस 80, बस यहाँ पे डायरेक्ट 20 कर देता हूँ, ठीक। अब ये क्या है माइनस 90 क्या है, ये क्या है थ्रेशोल्ड है, ठीक है, क्या थ्रेशोल्ड मतलब कि जब इससे जो है ना ये एक्शन पोटेंशियल अगर यहाँ से इस तरह पास हो जाए तो डायरेक्ट जो है ना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से ही फर्स्ट करें 98 पे रुक गया तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, ये क्या है सब थ्रेशोल्ड लेवल है, ठीक है। तो अब फर्ज करें ये यहाँ पे इस तरह पहुँच गया, ठीक है, ये जो मैंने कहा था कि ऐसे नोट क्या है, ये पेस मेकर्स है, पेस मेकर्स वो इस जब इसमें ही ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। रेस्टिंग ये वाली स्पेस क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन है वो इस टाइम क्या है रेस्ट पे है, ठीक है। मेम्ब्रेन मैंने क्यों कहा, क्योंकि सेल्स में ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। सारे वोल्टेज चेंजेस क्या हो रहे हैं सेल में, चैनल्स होते हैं, ठीक है, उस पे जो है ना ये चैनल हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं। अगर ये हो गया Na चैनल, ये है पोटेशियम चैनल, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि अगर इस अगर फॉर एग्जांपल ये माइनस 20 रीच हो गया तो पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम अंदर जाएगा तो मसल क्या हो जाएगा डीपोलराइज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब जब वापस जब नीचे की तरफ उल्टा आ रहा होगा, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, उसमें क्या होगा पोटेशियम अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा रीपोलराइजेशन हो जाएगी, क्लियर। तो ये इधर डीपोलराइजेशन और इधर रीपोलराइजेशन जब ये दोनों नहीं हो रही, ठीक है, तो वो क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ बिलो द थ्रेशोल्ड क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। इधर ऊपर जो सारा होगा वो एक्शन पोटेंशियल है, नीचे क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन क्या है रेस्ट पे है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, क्लियर। यहाँ पे चले इसकी वजह से डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन भी क्लियर हो गई। अच्छा तो इसमें क्या हुई, अब जिस तरह ही ये रीच हो गया, ठीक है, 90 माइनस 90 जिस तरह रीच हो गया डायरेक्ट जो है ना कर्व ऊपर जाएगा स्ट्रेट, किसकी वजह से, मैंने कहा था यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स ओपन हुए, सोडियम अंदर आ गया, सोडियम की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल मेंटेन होता है, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल मेंटेन हुआ तो देखिए पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं ना, ठीक है, मोर नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा तब ये क्या है, इट इज़ डूवर्ड्स बाय Na, ठीक है। अब ये क्या है फेज ज़ीरो है, फेज ज़ीरो क्या है फास्ट Na चैनल्स, ठीक है। फास्ट Na चैनल्स मतलब कि बड़े बड़े चैनल्स हैं ओपन होते हैं उससे Na डायरेक्ट अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्लो Na चैनल्स भी होते हैं, क्लियर, जो कि थोड़े थोड़े आयन इंटर कराते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया फेज ज़ीरो, इसके बाद जब ये पीक पे चला जाएगा, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, ये क्या है फेज वन है। मैं फेज इस तरह का तो डायग्राम एक्सप्लेन कर लो तो फिर जो ना डिफरेंट डिफरेंट फेज की ज़रा मैं डिटेल भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया फेज वन हो गया, इसके बाद ये इस तरह प्लेटू फेज आएगा, प्लेटू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेज टू। मैं बाद में अलग अलग फेज करके डिटेल बता दूंगा, ठीक है। फिर आएगा फेज थ्री, क्लियर, ये क्या है रीपोलराइजेशन है, इधर क्या हो रही है डीपोलराइजेशन हो रही है, इधर डीपोलराइजेशन हो रही है, इधर क्या हो रही है रीपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है। अब देखिए जब ये नीचे आ गया ना वापस, ये वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है फेज फोर है, ठीक है, क्लियर। तो ये फेज फोर जो है ना बताता है, ये फोर मेंटेन करता है किसको, पेसमेकर को, ठीक है, जो भी सेल ऑफ द मायोकार्डियम फेज फोर फास्ट करेगा वो क्या होगा, वो होगा पेसमेकर।
तो सबसे फास्ट कौन करता है, सोडियम सॉरी ये एसिनोड करेगा, ठीक है। एसिनोड ये जो है ना फेस फोर फास्ट अचीव करेगा, तो ये करेगा इम्पल्स फास्टर जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये गेम सब किसकी है, जो सबसे ज़्यादा फास्ट जनरेट करेगा, ठीक है। एसिनोड सबसे ज़्यादा फास्ट फेस फोर जनरेट करता है, ठीक है, मतलब इम्पल्स सबसे फास्ट जनरेट करेगा और रेट भी इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पल्स भी जनरेट कर रहा है और सबसे ज़्यादा फास्ट भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो और भी जनरेट करते हैं, लेकिन औरों को अपनी जनरेशन का मौका नहीं मिल रहा, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिनोड से लेसर इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो जब ये अपना खुद का जनरेट कर रहा होगा, उससे पहले ही एसिनोड सोएगा, चलो कॉन्ट्रैक्शन कर लो, वो बेचारा रिलैक्स होगा, एसिनोड दोबारा उसको देख कॉन्ट्रैक्शन करो, ठीक है। तो उसको अपनी कॉन्ट्रैक्शन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब डिजीज्ड है जिसपे एसिनोड अपना काम अगर प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, तो अब ये एसिनोड एविनोड को सप्रेस कर रहा था ना, उसकी अपनी इम्पल्स जब सप्रेस नहीं हो पाएंगी एसिनोड की वजह से, तो अपनी इम्पल्स बनाएगा, तो जिसकी वजह से प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस जिसको क्या कहते हैं, प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन ये होती है कि मतलब प्रीमैच्योर क्या होता है, जो नॉर्मल ना हो, ठीक है। तो अपनी ही कॉन्ट्रैक्शंस ये करता रहता है, ठीक है। ओके, तो बहुत ही आउट ऑफ ट्रैक हो गए, तो मैं जो ना अभी ये सारे फेजेस एक्सप्लेन कर लेता हूँ वन बाय वन, ठीक है। और फिर आते हैं स्लो फाइबर्स पे, ठीक है, स्लो रिस्पॉन्स फाइबर्स पे। फिर ओके, तो अभी जो है ना वन बाय वन ये सारे फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल करते हैं, ठीक है। और ये फोर तो खैर एक्शन पोटेंशियल का पार्ट नहीं, यहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिसिटी की वजह से मैं जो हूँ ना यहाँ पे तो खैर नहीं बताऊँगा, एसिनोड में ज़्यादा बता दूँगा, ठीक है। मैंने तो डिटेल बता भी दी थी, लेकिन दोबारा फिर एसिनोड में बता दूँगा। अच्छा, फिर फर्स्ट आते हैं फेज़ ज़ीरो में क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। -90 इसका थ्रेशोल्ड था, अब ये ऊपर जा रहा है -20 की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होंगे, फास्ट एनए चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ना एनए क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, एनए पॉजिटिव पोटेंशियल अंदर ज़्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो गई, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, हार्ट का मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, ये मैंने असल में ये टिक और क्रॉस क्यों लगाए हैं, टिक और क्रॉस का मतलब कि इसमें एंटा एरिथमिक ड्रग्स काम करेंगी। अब एंटा एरिथमिक ड्रग्स क्या करेंगी, वो जो है ना ये ओपन एनए चैनल को या क्लोज कर लेगी या ब्लॉक कर देंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये डीपोलराइजेशन हो रही थी वो नहीं होगी, ठीक है। फर्ज करें अगर ये डीपोलराइजेशन एक प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन में हो रही है, ठीक, तो एंटारिथमिक ड्रग देखे हमने क्या किया, वो वाला चैनल ब्लॉक कर दिया उस साइड का, तो अब वो वहाँ पे प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन होगी नहीं, तो यहाँ पे एंटारिथमिक ड्रग्स इन टिक वाली जगह पे काम करेंगे, एंटारिथमिक ड्रग इन और इन पे काम नहीं करते, ठीक है। क्योंकि एंटारिथमिक ड्रग्स में कौन कौन से होंगे, सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे, पोटेशियम चैनल ब्लॉक होंगे, मैंने अभी ये क्यों कहा है, तो अभी आगे जाए, लेकिन सोडियम चैनल की वजह से और मेन काम यहाँ पे जो जहाँ पे मेन कोई काम कर रहा होगा वहाँ पे जो है ना वो ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स इस फेज़ ज़ीरो को ब्लॉक या स्टॉप करा देंगे, फेज़ थ्री को कौन स्टॉप करेगा, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स ऑब्वियसली, तो फेज़ थ्री में मैं दोबारा बता दूंगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, दिस फेज़ वन, ओके, तो नेक्स्ट क्या है, फेज़ वन ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल। फेज़ वन में क्या होगा, देखिए आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है और फिर जो है ना डाउनलोड की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे जब पीक तक पहुँच जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो सोडियम चैनल्स थे वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव सर छोड़ कर आ रहा था, सोडियम करा रहा था, यहाँ पे सोडियम चैनल्स ही ब्लॉक होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ये डिक्रीज वाला फेज़ टू में आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो ना क्रॉस लगा हुआ है, तो एंटीएरिथमिक ड्रग्स जो ना यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, फेज़ टू देखें, डायरेक्ट नीचे नहीं जा रहा, ये क्या है, स्लोप में नीचे जा रहा है इस तरह करके, ठीक है। क्यों, यहाँ पे क्या है, स्लो सोडियम
चैनल्स अंदर जा रहे हैं, इसी वजह से सोडियम सेल में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए और पोटेशियम चैनल्स भी ओपन हो गए। पोटेशियम क्या जा रहा है? आउट फ्लो। कैल्शियम क्या जा रहा है? कहाँ जा रहा है? इन। और ये भी कहाँ आ रहा है? इन आ रहा है, ठीक है। तो देखें, ये तो स्लोली हो रहा है ना, फेज़ वन ज़ीरो, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, सब में जो है स्लो स्लो सोडियम चैनल्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मेन यहाँ पे क्या है? पोटेशियम है और कैल्शियम है। अब देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल कैल्शियम की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल पोटेशियम की वजह से आ रहा है। पोटेशियम है तो पॉजिटिव, लेकिन कहाँ जा रहा है? आउट, ठीक है। तो नेगेटिविटी की तरफ, पॉजिटिव आयन जब बाहर जाएगा तो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिविटी की तरफ आएगा ना, क्लियर। नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे इनके थोड़े बैलेंस, इन बैलेंस की वजह से क्या हो जाएगा? प्लेटू आएगा, ठीक है। ये प्लेटू क्या आ जाएगा? इन दोनों की वजह से आ जाएगा, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव है, तो उस तरह थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट कर्व डाउन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह प्लेटू इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी फेज थ्री, लास्ट क्या है फेज थ्री? मैंने कहा था इसमें भी क्या हो जाएंगे? एन ए चैनल कौन से? स्लो वाले, ठीक है। फास्ट सिर्फ ज़ीरो में होते हैं फेज, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बातें कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है, तो एंटा एरिथमिक ड्रग्स यहाँ पे काम करेंगे। फेज थ्री किसकी वजह से हैं? आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से, ठीक है। आउटफ्लो होगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिविटी की, पॉजिटिव था अब एक पॉजिटिव तो नहीं था, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। पॉजिटिविटी माइनस 90 था, अब माइनस 20 की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था, अब क्या है? नेगेटिविटी की तरफ वापस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें कि कर्व डाउनवर्ड डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा स्लोप में है। स्लोप क्यों? स्लो सोडियम चैनल, ठीक है, प्योरली पोटेशियम चैनल्स नहीं, इसकी वजह से ये स्लोप आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे भी जो है हमें बता दिया एंटीरिथमिक ड्रग्स काम करेंगी। अब आते हैं लास्ट क्या है, फेज फोर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म नहीं सॉरी एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, फेज फोर एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा? ये देखें यहाँ पे क्या है, वापस जो है ना अपने थ्रेशोल्ड के नीचे आ गया, ठीक है। थ्रेशोल्ड के नीचे आ गया, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर इट्स नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो थ्रेशोल्ड की तरफ जा रहा है ना, तो जो सेल फास्टर फेस फोर करेगा वो ऑटोमेटिसिटी करवाएगा, ऐसे नोट करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी बातें क्या हो गई? अबाउट द फास्ट रिस्पॉन्स फाइबर, जो कि कौन से हैं? बंडल ऑफ हिस में है और वेंट्रिकल्स में है और एट्रियम में है। अब आते हैं स्लो रिस्पॉन्स फाइबर्स के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं अबाउट द स्लो रिस्पॉन्स फाइबर। स्लो रिस्पॉन्स फाइबर में इस तरह का कर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ना सोडियम, ये जो 0, 1, 2, 3 क्या है, इसमें क्या है? यहाँ पे सोडियम के चैनल्स क्या होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे नोड और ए वी नोड, इनमें जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? कैल्शियम करवाता है, ठीक है। मतलब डीपोलराइजेशन कैल्शियम करा रहा है, पोटेशियम क्या करा रहा है? रीपोलराइजेशन करा रहा है। तो जब इस तरफ ऊपर जा रहा है तो कैल्शियम करवा रहा है, नीचे आ रहे हैं तो पोटेशियम करवा रहा है, इनफ्लक्स आउट फ्लक्स, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो है ना मेन बातें मैं ये करूँगा, यहाँ पे तो बस यही वो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो रहा है तो वही रीपोलराइजेशन हो रही है, वही बातें सारी सेम है। ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ये सारी बातें तो ठीक है, वही सारी पुरानी बातें हैं, ठीक है। उसमें मेन बात इसमें क्या है, फेज़ फोर में आएंगे, ठीक है। फेज़ फोर में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो फेज़ फोर एक्शन पोटेंशियल फेज़ फोर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, ऐसे नोड मैंने कहा था कि क्या है, ऑटोमेटिसिटी मेंटेन करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेसमेकर करंट है, ठीक है। इसको कहते हैं पेसमेकर करंट, यहाँ पे जो ये है, ये क्या पेसमेकर करंट है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट जल्दी जो है ना, और सबसे क्या है, फास्टर जनरेट करता है इम्पल्सिस, ठीक है। फास्टर फेज़ फोर जल्दी क्रॉस कर लेता है, कैसे?
यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एसिनोड का एसिनोड की ये सॉरी माइकार्डियम का सेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एन ए चैनल्स हैं, ये कैल्शियम चैनल्स हैं और ये पोटेशियम चैनल है, ठीक है। ये फेज फोर कौन मेंटेन करेगा, सोडियम कैल्शियम और पोटेशियम मेंटेन करेंगे, ठीक है। किस तरह मेंटेन करेंगे, ये क्या है आउटफ्लक्स का चैनल है, ये इनफ्लक्स का है और ये इनफ्लक्स का है। अब ये बात याद रखें कि जब एन ए ज़रूरत नहीं, एन ए और कैल्शियम जब ये फॉस्फोराइलेटेड हो जाएंगे, मतलब पाई ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये पोटेशियम का है, जब ये फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर, आसान हो गई ये बात। अच्छा, तो ये क्या है, हार्ट का पेसमेकर है। हार्ट के अगर सिंपथेटिक एक्टिविटी है या फिर पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी है, दोनों आके इसको क्या करेंगे, इसके साथ छेड़खानी करेंगे। तो किस तरह इसको इफ़ेक्ट करेंगे, इस तरह इफेक्ट करेंगे कि अगर मैंने हार्ट पे बताया था, अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो इधर दोबारा बता देता हूँ। ये हार्ट है, फॉर एग्जांपल हार्ट में दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, B1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर। B1 रिसेप्टर क्या है, ये दोनों जो है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर थे, ठीक है। बी क्या मतलब, बीटा रिसेप्टर, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अपने बायोलॉजी में एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन पढ़ा होगा ना, वो क्या है, वो इस रिसेप्टर पे काम करेंगे, ठीक है। सबके अपने रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जाके वो अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो नॉरएपी और एपिनेफ्रिन क्या हो जाएंगे, इन पे अटैच होंगे। ये क्या है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर है। यहाँ पे क्या है, एसिटाइल कोलिन, आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, एसिटाइल कोलिन जो है ना, ये भी न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो यहाँ पे एक्ट करेगा। तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम क्या है, M2 और एसिटाइल कोलिन वाली बात आ गई इसमें। सिंपथेटिक सिस्टम में क्या है, बीटा 1 आ गया और नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आ गया, ठीक है, क्लियर। अब एक और बात ये याद रखें, एनएस में बहुत डिटेल है, यहाँ पे मैं थोड़े से बस बता देता हूँ कि M2 रिसेप्टर क्या है। आपने जी प्रोटीन मैकेनिज्म पढ़ा है ना, जी प्रोटीन सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, बता देता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये रिसेप्टर पे आ गया, ये कोई भी मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, जो इन दोनों में से जो भी हो, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडिनाइल साइक्लेस के पास चला जाएगा, उसी वजह से क्या हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होगा। साइक्लिक एएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देगा। ये मैंने क्यों बताया है, अब मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे देखें, प्रोटीन काइनेज का क्या मतलब, काइनेज वो वाले एंजाइम होते हैं जो पाई को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सोडियम और कैल्शियम अगर ये पाई इनके पास आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड हो जाएंगे, और अगर पोटेशियम के पास पाई आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको कहते हैं GS मैकेनिज्म, ठीक है, जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म, जिसमें ये सब कुछ क्या हो रहा है, ठीक है। पैरासिंपथेटिक क्या करता है, ये सिंपथेटिक कर रहा है, ठीक है। जब नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। और अगर ये पैरासिंपथेटिक है, पैरासिंपथेटिक में ये जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर ये GI है, मतलब जी प्रोटीन इनहिबिटरी, जब पैरासिंपथेटिक एक्टिवेटर होगा तो ये कोई भी काम नहीं होगा, क्लियर। अब पहले सिंपथेटिक की बात करते हैं, एडजस्ट नहीं हो रहा, चलो। अच्छा, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन हो गई हमारी हार्ट की, बीटा 1 एक्टिवेट हो गया, GS एक्टिवेट हो गया, क्या बन गया, प्रोटीन काइनेज ए बन गया। प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, पाई ग्रुप देख रहे हैं, ये डोनेट करेगा किसको, इन तीनों को। तो जब इसके पास पाई ग्रुप आ गया, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा चैनल, तो ये काम करेगा, सोडियम अंदर आ गया, क्लियर। कैल्शियम है, इसके पास पाई ग्रुप अटैच हो गया, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, कैल्शियम अंदर आ गया, क्लियर। पोटेशियम फॉस्फोरिलेटेड हो गया, चैनल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ये बाहर जा पाएगा नहीं, तो पोटेशियम भी अंदर ही पड़ा हुआ है। तो इन सब की वजह से
जो हमारा जो मेम्ब्रेन का पॉजिटिव पोटेंशियल था, जो पॉजिटिव पोटेंशियल, देखिए डीपोलराइजेशन देख रहे, डीपोलराइजेशन ठीक है, पॉजिटिव की वजह से है, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये फोर देख रहे हैं, फोर ये देखें इस तरह कर्व जा रहे हैं ना, अगर अगर इस तरह होता, इस तरह ऊपर जाए तो फास्टर हो गया ना कर्व, ठीक है क्लियर। तो सिंपथेटिक सिस्टम और भी फास्ट कर देगा ऐसे नोड की एक्टिविटी को। नॉर्मली ये है ब्लैक वाला, अब देखिए फास्ट है, ये कौन है, बीटा वन की वजह से है क्लियर। इसको ऑपोजिट अप करेंगे, मैं ग्रीन से जो है ना इसको ऑपोजिट बना दूंगा। पैरासिम्पथेटिक का क्या है, जी आई है, जी आई में ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे, मतलब पाई ग्रुप अटैच नहीं होगा। तो जब ये नॉन फॉस्फोराइलेटेड है ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। नॉन फॉस्फोराइलेटेड है क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अंदर जाएगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। और ये क्या हो गया, फॉस्फोराइलेटेड है, नॉन फॉस्फोराइलेटेड है तो क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। पोटेशियम क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा क्लियर। तो अब मेम्ब्रेन क्या चली बन रही है, रीपोलराइजेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। मेम्ब्रेन का पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने एसिनोड को स्लो कर देगा क्लियर। तो एसिनोड क्या होते हैं, ऑटोमेटिक क्यों है, क्योंकि वो जो है ना फास्ट ये जनरेट करते हैं, ठीक है। ये एस ये ऊपर और नीचे क्या बता दिया मैंने, ये हमारा सिंपथेटिक सिस्टम या पैरासिंपथेटिक सिस्टम इसको मैनिपुलेट करके आगे पीछे कर सकता है, ठीक है। तो यही सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक सिस्टम की बात अब आप सब में जो है ना अटैच डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने जो कंडक्शन पाथवे बताया था कि एस ए नोड से ए बी नोड में जा रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें मैंने ये बात भी की थी कि यहाँ पर क्या है, खुद अपने जनरेट कर सकता है, ठीक है। अगर एस ए नोड काम नहीं कर रहा प्रॉपरली तो ये अपने ही ज़्यादा जनरेट कर सकता है या कम जनरेट कर सकता है, ठीक है। उसकी वजह से ये बात अब सब में अप्लाई होगी, ठीक है क्लियर। ये बात सब में हो सकती है, समझ आ गई। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को। ओके, तो अब ये छोटे छोटे डेफिनेशन से ये भी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिसिटी क्या है, मतलब कि जो फास्ट फेस फोर मेटाबॉलिज्म को रीच करेगा, मतलब उसको जल्दी करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिसिटी कंट्रोल कर लेगा, मतलब वो जो है ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। स्केलेटल मसल क्या है, वो जो है ना नर्व की इम्पल्सिस पे एनएस से क्या है डिपेंडेंट है, कि वहाँ से जब सिग्नल आएगा कि यार कॉन्ट्रैक्शन करो तो करेगा, नहीं आएगा तो फ्लैसिडिटी रहेगा, ठीक है। हार्ट हमारा क्या है, ऑटोमेटिसिटी है उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे नोड की वजह से जो है ना खुद अपनी इम्पल्सिस जनरेट करेगा। इम्पल्स क्या होती है, फ्लो ऑफ जो है ना चार्ज ऑन दैट मेम्ब्रेन, ठीक है। कि अगर ये सेल है, सेल पे क्या है, ये चैनल्स है, ठीक है, सोडियम, ये पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम चैनल बाहर की तरफ होता है, और ये क्या है, सोडियम चैनल है, ठीक है। सब में अपने पोटेंशियल होते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर -20 है तो उसमें जो है ना इसको ओपन होना है और जाना है, या -30 पे जो है ना ओपन हो जाएगा कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है। पोटेंशियल बाहर जाके ये क्या है, -90 तक ले आएगा, ये जो है ना -90 से जो है ना -20 की तरफ जा रहे, उल्टा जा रहे। तो हर एक अपना पोटेंशियल होता है, जिसमें वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जिस पे वो क्लोज्ड हो जाएगा, इस पे ओपन हो जाएगा, इस पे क्लोज हो जाएगा, ऐसी एग्जांपल दे रहे हैं पोटेंशियल्स, ठीक है। तो ये होता है ऑटोमेटिसिटी हो गई, ठीक है, तो ये सब मेंटेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिवनेस क्या है, रिफ्रैक्टिवनेस मतलब कि मतलब अगर ये होगी हमारा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, या ये होगी एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऐसे नोट वैसे नोट की, और ये है वेंट्रिकल्स की, क्लियर है। तो इफ रिफ्रैक्टिवनेस क्या मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल तो है लेकिन ये क्या है, ये फुल क्या, एक इम्पल्स है, मतलब एक सिग्नल आया है कॉन्ट्रैक्शन का, तो कॉन्ट्रैक्शन तो हो गई, फिर रिलैक्सेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पल्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब अगर कोई स्ट्रॉन्गर इम्पल्स आएगा, ठीक है, तो वो इसको इस तरह तो नहीं है कि मतलब ये इस तरह कॉन्ट्रैक्शन इधर तक आ गया, ठीक है, मतलब चले इस तरह इधर तक आ गया, ये अब स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आ गई, डायरेक्ट जो है ना वापस इस तरह जाए, फिर आ गई, फिर जाए, ठीक है, इस तरह नहीं होगा ना। हार्ट तो डायरेक्ट, ये कैसी कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें तो रिलैक्स हो रहा नहीं, तो हार्ट किस तरह जो है ना नेक्स्ट करेगा, जब वो रिलैक्स होगा तो नेक्स्ट पे जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब अगर ये एक्शन पोटेंशियल है तो इसमें जब भी अगर स्ट्रॉन्गर इम्पल्स भी आ जाए, ठीक है, तो ये अपनी इम्पल्स छोड़ेगा नहीं,
अपना आके रेस्ट पे आ जाए, फिर स्ट्रांगर आए तो डायरेक्ट जो है ना ऊपर बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि बस इस तरह आए इस तरह डायरेक्ट इस तरह की तरह, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिवनेस है, ठीक है। हार्ट में ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है ना रिफ्रैक्टिवनेस, मसल में तो ये है कि अब देखें ये मैं स्ट्रांगर कर रहा हूँ, अब उस तरफ से कोई और स्ट्रांगर इम्पल्स दे रहा है तो मैं हाथ मूवमेंट कोई और जा रही है, ठीक है। हमारा स्केलेटल मसल क्या है, जिस तरह की कॉन्ट्रैक्शन इस पर आएगी उस तरह की वो कर, जिस तरह की इम्पल्स आएगी उस तरह वो करता रहेगा। स्ट्रांगर इम्पल्स आएगी तो स्ट्रांगर की तरफ चला जाएगा। हार्ट में ये बात नहीं है, हार्ट में रिफ्रैक्टिवनेस है। अगर इम्पल्स कर रहा है तो स्ट्रांगर इम्पल्स आ भी जाए तो वो दूसरी इम्पल्स नहीं स्टार्ट करेगा, जब तक वो अपनी ख़त्म करेगा फिर जो है ना दूसरी में जाएगा। ये मैं डिटेल इसलिए बताई है क्योंकि सब जो है ना इसके इसी कॉन्सेप्ट पे ये आगे तीनों की डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, तब ये तीनों एक साथ करते हैं। अगर फर्ज करें ये एक हार्ट की एक्शन, एक हार्ट का एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, क्लियर। इसमें जो है ना फुल इम्पल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, ये एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का क्या मतलब, द टाइम टेकन जिसमें जो है ना इम्पल्स एक हो जाए। तो इस जगह से लेकर इस जगह तक, एंड वाली जगह तक, ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, APD, क्लियर। मतलब कि ये डॉट ब्लैक वाला क्या एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा क्या है, इफेक्ट, मैं पहले ये डायग्राम बना लूँ फिर जो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड यहीं से होगा और यहाँ पे इस तरह होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक। आखिरी क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। वो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ठीक है, जो इनके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ द रेशियो, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इन दोनों के सेंटर में आ गया, क्लियर हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या है, कि वो टाइम जिसमें एक इम्पल्स पूरी जो है ना कैरी आउट हो रही है, ठीक है। तो बस यही एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ही हो गई, क्लियर है। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड मैंने कहा था कि अगर इम्पल्स, एक इम्पल्स है वो कैरी आउट हो रही है हार्ट में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर इम्पल्स, ये स्ट्रॉन्गर इम्पल्स है, अगर ये जब जाएगी तो ये इस पे जो है ना अपना काम नहीं कर सकती, क्योंकि हार्ट अपनी प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो इस फेस के अंदर जब स्ट्रॉन्गर इम्पल्स आएंगी तो वो जो है ना अपना काम नहीं कर सकती। जितनी भी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आए इस फेस में अगर हार्ट का जो इम्पल्स प्रेजेंट है इसमें जो है ना वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जितनी भी स्ट्रॉन्गर इम्पल्स हो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के टाइम में क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब उसकी बात रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में आ गई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के अगर स्ट्रॉन्गर इम्पल्स आ गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वापस अपनी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है जिसकी वजह से जो है ना हमारे हार्ट के जो सेल्स हैं वो प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा सकते हैं। प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू एरिथमियास, ठीक है। एक प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कर दी, वो अपने रिदम से ही निकल गया। तो जब सेकंड इस तरह होती रहेगी वो अपनी ही रिदम में जा रहे, उसकी वजह से और के रिदम ख़राब होंगे, तो ये क्या एरिथमिया की तरफ जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड एरिथमिया की तरफ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। रिफ्लेक्टिवनेस क्या है, एक बार फिर जल्दी बताते हैं। तो रिफ्लेक्टिवनेस क्या है कि हमारे जो सेल है हार्ट का अगर एक टाइप ऑफ इम्पल्स कैरी आउट कर रहा है, ठीक है, तो जब सेकंड टाइप ऑफ इम्पल्स स्ट्रॉन्गर जाएगा भी तो हार्ट क्या करेगा, उसको नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी इम्पल्स पूरी करनी है, ठीक है। इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड क्या है, ये वाला पीरियड है जिसमें अगर स्ट्रॉन्गर इम्पल्स आए तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है, ये वाला पीरियड है, इसमें अगर हार्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आ गया तो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा, क्लियर। तो फिर आगे आते हैं और टॉपिक्स। ओके, तो अब जो ना मैं आखिरी बस ये आखिरी टॉपिक करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ
ड्रग्स, ठीक है, कि कौन कौन सी टाइप्स की ड्रग्स है और उसके एक छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, वो उनके साथ ही बता दूंगा जल्दी जल्दी, तो बस वीडियो को एंड करेंगे और फिर उन ग्राफ्स के रिलेटेड जितनी भी सारी बातें डिटेल्ड है और फिर मैं इनकी सेपरेट क्लास की वीडियोस अपनी खुद कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री एंड क्लास फोर टाइप्स की ड्रग्स है, ठीक है। ओके, तो क्लास वन क्या है? क्लास वन जो है ना सब डिवाइडेड है इनटू ए, बी एंड सी, ठीक है। क्लास वन ए, क्लास वन बी, क्लास वन सी, तीनों कहाँ एक करते हैं? सोडियम चैनल्स पे एक करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है, डिफरेंट। अब ये ए है, चले मैं फिर ग्राफ, तो मैं ग्राफ पर जब बताऊँगा उसमें बता दूँगा कि किस टाइप के सोडियम चैनल्स और क्या फ़र्क, क्या काम करते हैं, ठीक है। क्लास टू क्या है? दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। क्लास थ्री क्या है? दीज आर द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। ये वाले क्या थे? सोडियम ब्लॉकर नहीं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लियर। आखिरी है क्लास फोर, दैट आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। आप एक एक के बाद एक एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने ये दो ग्राफ बना दी, इसमें जो है ना ये जो है ना क्लास वन ए ये वाला काम करेगी, क्लास वन बी ये वाला काम करेगी, क्लास वन सी ये वाले काम नहीं करती, ठीक है। अच्छा, जो क्लास वन ए क्या है? ये फास्ट जो चैनल ब्लॉकर थे ना, फास्ट सोडियम चैनल्स, सॉरी फास्ट एन ए चैनल्स, ठीक है, इनको ब्लॉक करेंगे। और ये क्या है? ये स्लो एन ए जो चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल्स हैं, उनको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। फास्ट चैनल्स किधर होते हैं पता है? ये है, ठीक है। इधर मेन इफेक्ट फास्ट चैनल्स का है, ठीक है, इधर। और इधर जो है ना क्या है? स्लो सोडियम चैनल्स, मतलब स्लो सोडियम चैनल ज़ीरो वन टू थ्री सब में है, ठीक है। तो फास्ट इधर भी स्लो सोडियम चैनल्स इधर भी बंद होंगे, ठीक है, इसकी वजह से इधर भी बंद होंगे, लेकिन इधर मेन काम कौन है? फास्ट सोडियम चैनल है, जो इसकी वजह से अफेक्ट होकर, ठीक है। मैंने बताया था कि ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि ये फुल टोटल जो है ये क्या है? एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है। और यहाँ से यहाँ तक जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, मतलब कि ये वाली जगह, ये क्या है? इफेक्टिव रिफ्लेक्टरी पीरियड, ठीक है, क्लियर। तो फास्ट सोडियम चैनल्स जब ब्लॉक हो गए तो सोडियम क्या होगा? स्लोली स्लोली अंदर जाएगा, क्लियर। जब ये स्लो हो गया तो ऑब्वियसली और भी जो है अपने नॉर्मल ही होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ये भी इंक्रीज़ हो गया इस ड्रग में, इस सोडियम ब्लॉकर्स की वजह से, फास्ट चैनल ब्लॉकर्स की वजह से ये भी इंक्रीज़ हो गया और ये भी इंक्रीज़ हो गया, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे पहुँच गया है, पहले कहाँ था? यहाँ पे था, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या है? वो यहाँ पे है, पहले कहाँ था? यहाँ पे था। ये क्या है? ये वो इफेक्टिव रिफ्लेक्टरी पीरियड है, ठीक है, नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ये क्लास बी ड्रग है, ये क्या करते हैं? स्लो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो इसका यही इसी तरह सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, समझ आ गई? तो यहाँ पे क्या हो गया? इफेक्टिव रिफ्लेक्टरी पीरियड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या हो गया? वो भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अगर कोई रिदम में फास्टर जा रहा है, ठीक है, मतलब बहुत फास्ट फास्ट रिदम्स आ रही हैं, ठीक है, इस तरह से फास्ट फास्ट आ रही हैं, तो ये अब दे देंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएंगे? ये रिदम्स अपने ज़रा लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा था ना, ये वाला, ये क्या हो गया? बाईपास हो गया, ख़त्म हो गया ये वाला। अब ये क्या है? नॉर्मल दोबारा ऐसा करेगा, क्लियर, स्लो हो गया। और अगर कोई है बहुत स्लो स्लो जा रहा है, ठीक है, उसको सही करना है, तो ये वाली वन भी ड्रग दे देंगे, उसकी वजह से क्या हो गया? फिर नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ही देख के जो है ना हम देंगे, ठीक है, इसी तरह ये सारी बातें आगे जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, रिलेटिव इफेक्टरी पीरियड और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ठीक है। अब आते हैं बीटा ब्लॉकर्स पे, बीटा ब्लॉकर्स क्या है, ग्राफ पे क्या होगा? और ये सारे ग्राफ मैंने इसलिए, ये वाले ग्राफ इसलिए क्यों बनाए? क्योंकि ये सारे काम, तीनों ड्रग कहाँ काम करेंगे? वेंट्रिकुलर मसल पे काम करेंगे, ठीक है।
सोडियम, ये क्लास थ्री भी क्या है, फास्ट सोडियम चैनल्स को थोड़े से बस क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन इस पे एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ओके ठीक, ये वाले हो गया। अब आते हैं बीटा ब्लॉकर्स पे। मैंने जो है ना अभी जो ग्राफ बताया था एस एनोड वाला, ठीक है, उसमें फेस फोर मेटाबॉलिज्म, जब मैंने कहा था कि जी एस स्टिमुलेशन हो रही है बीटा वन वाली, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, फेस फोर फास्टर हो गया था, और अगर एम वन है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर है? तो हार्ट क्या है, हार्ट बैलेंस है बिटवीन बीटा एंड एम टू, ठीक है, इसके बीच में बैलेंस है, तो प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो हम नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, अब बीटा ब्लॉकर का काम ख़त्म हो गया, तो क्यों डोमिनेट हो गया, ये डोमिनेट हो गया, तो हार्ट क्या करेंगे, स्लो कंडक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये वाला डोमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर ये नॉर्मल, ये नॉर्मल ग्राफ है फॉर एग्जांपल, क्लियर, अब क्या हो जाएगा ग्राफ, देख रहे हैं, स्लो जनरेट हुई, स्लो जनरेट हुई तो दूसरी भी स्लो हो गई, तो ये देखिए बाईपास। अब देखिए ग्रीन वाले ने थ्री की हैं, रेड वाले ने दो कर दी, तो कौन अच्छा हुआ, ठीक है, कोई भी नहीं, डिपेंड करता है, अगर ये स्लो हो रहा है तो अब ये सॉरी, अगर ये फास्ट हो रहा है तो ये स्लो हो गया तो अच्छी बात है, अगर ये स्लो हो रहा है तो ये, अगर ये फास्ट हो गया तो ये अच्छी बात है, तो डिपेंड करता है केस पे, ठीक है, डिफरेंट केसेस पे। तो बीटा ब्लॉकर्स इस तरह काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके तो ये हो गए, अब आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, वही वेंट्रिकल और मसल की, ठीक है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे कौन से, फेस थ्री पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या करेंगे, अब फर्ज करें ये वही, अब ये ब्लॉक, ये रेड वाली ब्लॉकर्स के साथ है, ठीक है, यहाँ तक सेम ही होगा, सही है। यहाँ के बाद देख रहे थे आप नीचे की तरफ, इस स्ट्रेट नहीं आता, थोड़ा सा ज़रा सा कर्व डालते हैं, ठीक है, क्लियर। अब पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है, ब्लॉकर्स के मतलब के फॉस्फोराइलेटेड हो गए, अब ये आउट, इसकी आउटफ्लक्स क्या हो रही है, नहीं हो रही, किसकी, पोटेशियम की, जब नहीं हो रही तो नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा पोटेंशियल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह चला जाएगा, ठीक है, जाएगा तो सही ऑब्वियसली, लेकिन इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्या रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या हो गई, वो भी इंक्रीज हो गई, ठीक है, दोनों इंक्रीज हो गए, क्लियर है। पहले क्या थे, ये था, और जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड था नॉर्मल वाले का ये था, अब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज़ हो गया ना, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पहले यहाँ तक थी, अब कहाँ, यहाँ तक आ गई, तो वो भी इंक्रीज़ हो गया ना, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, इस तरह हम मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे आते हैं लास्ट। ओके तो कैल्शियम चैनल ब्लॉक, ये भी हो गया पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मैंने कहा था कि ये एस ए नॉट की कॉन्ट्रैक्शन का एक्शन पोटेंशियल कर्व है, ठीक है, मैंने कहा था 0, 1, 2, 3 और ये 4 क्या था, पेसमेकर करंट का था, ठीक है। यहाँ पे क्या काम कर रहे थे, बीटा ब्लॉकर्स काम कर रहे थे। अब मैंने कहा था कि 0 पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल कौन कॉज करता है, ये डीपोलराइजेशन कैल्शियम कॉज करता है, और फेस 4 पेसमेकर करंट में कैल्शियम काम करता है, पोटेशियम काम करता है, सोडियम काम करता है सॉरी, और पोटेशियम काम करता है, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहाँ काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे और यहाँ पे काम करेंगे, तो इट विल अफेक्ट फेस 0 एंड फेस 4, ठीक हो गई। तो बस यहाँ पे जो है ना इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके रिलेटेड कोई भी बात हो तो कमेंट सेक्शन में बताते, मैं जो ना दोबारा एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है। ये थोड़ी फर्स्ट बार ज़रा कन्फ्यूजिंग होती है ये सारी बातें, ठीक है, रिएक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड और एक्शन और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिफेक्टिवनेस, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, सब कुछ ये कन्फ्यूज़ होता है बंदा, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लूँगा, या दोबारा वीडियो प्रॉपर दोबारा बना दूँगा, या अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ही मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, जो भी हो, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें, ठीक है। और अगर इसको एक दो बार देख लें इस वीडियो को, तो ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट गो में ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होते।
दोबारा से रिपीटेशन से ज़रा अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है? ओके, यहाँ तो वीडियो को एंड करते हैं।